हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 27 सितंबर। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उत्तराखंड। और अभी हम घर से निकल लिए हैं, अभी हम आ गए कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस में आ गए अपने भाई के घर, सोनू भाई के घर। यहाँ से हम सोनू भाई को लेंगे, पिक करेंगे उनको और फिर चलेंगे कहाँ? उत्तराखंड। अभी हमारे साथ कौन कौन है? पूरा ग्रुप है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं भाई के पास, बड़े भाई के पास। मम्मी नमस्ते। नमस्ते 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 जय नमस्कार। हेलो, ये हमारे काजू बाबू है, देखो नाच के दिखा रहे हैं। हेलो दी, नमस्ते। ये मोनू मामू। हेलो। और ये मेरे मामा जी का, ये देखो, ये हमारी भांजी जी है ना, पारिसी। भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ बता भाई, नमस्ते। चलो भाई, चलो तैयार हो गए? उत्तराखंड पहाड़ों में चलेंगे आज। आप सबको भी पहाड़ों में लेकर चलेंगे, वादियों में। वो टाइम बाद पहाड़ों का प्रोग्राम बनाया आज। हाजी रेडी हो? एकदम रेडी चले। लगेज रखता है, रुक जा बाबू, अच्छे सेट करना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, ये हमारी डोलची पे नजर है हमारी बहन की। ये गलत बात है, ये गलत बात है। भाई ने इतनी मेहनत करी, इसमें माल है, माल बनाया था, उसी पे हाथ मार, उसी पे नजर है बहन की। तो भैया हम अपनी डोलची को साइड कर लेते हैं। चलो आपसे निकाल ले, हम अपनी डोलची को पहले ही साइड कर साइड कर लेते हैं। कहाँ रह गए भाई? अच्छा ब्लैंकेट लेने गए हैं। भैया आराम आराम से जाओ, उड़ा के लेके जाएंगे हम तो। हम तो उड़ा के लेके जाएंगे, उड़ा के और अपनी जगह की बच्ची बनाएंगे। बाय 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 बाय, हर हर महादेव। तो अभी हमने पकड़ लिया अपना मेरठ एक्सप्रेस वे। बढ़िया है एकदम, मक्खन मजा आ रहा है, सुपर सुपर चल रहा है एकदम। 100 120 100 120 भाग रही है गाड़ी। इसी के साथ हमारी जर्नी का पहला टोल पड़ता है मेरठ वाला, ये रहा। बहुत सन्नाटा हो रखा है यहाँ पे, है ना, बहुत कम गाड़ियां दिख रही हैं। तो दोस्तों टोल पार करते ही ये जाम मिल गया है यहाँ पे मेरठ शहर के लिए, जो सिटी वाला जो राइट जा रहा है ना इधर की तरफ। यहाँ पता नहीं किस बात का जाम लगा रखा है, आगे सब लोग अपनी गाड़ियाँ बैक कर रहे हैं और वापस घुमा रहे हैं यार। अभी सोनू भाई और पापा गए हैं आगे देखने रूट कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो रही है आगे। अगर लेना पड़ा तो हम भी ले लेंगे यू टर्न, क्या करेंगे। ये देखो सभी यू टर्न ले रहे हैं। देखो भाई कितना भयंकर पिलर है। अच्छा इसको रोटेट कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है जाम। पूरे आधे घंटे के जाम के बाद अब रास्ता ठीक मिला है। फंस गए थे वहां तो बहुत भयंकर, फंस गए थे, आधा घंटा खराब हो गया पूरा। मेट तो पार क्रॉस कर देते, अब तो हो जाता, क्रॉस हो जाता। मिल गया सीएनजी पंप, पहले करा लेते हैं सीएनजी रिफिल। वैसे तो बहुत बढ़िया भी, पर कोई नहीं, डलवा लेते हैं, काम ही आएगी। जो मिल जाए ले लो, जहाँ मिल जाए ले लो। तो अभी हमारा आ गया सेकंड टोल मुजफ्फरनगर वाला, विसर्जन करने जा रहे थे ना। मैंने इसलिए आपकी बार आगे ही लगाई। बिल्कुल भैया, सब्जी हम अपने घर से लाए डोली भर के, चपाती लेनी है, रोटी लेनी है, तंदूर वाली रोटी मिल जाए मजा आ जाएगा बस। देख रहे कोई ढाबा मिल जाए अच्छा सा, जहाँ पे हमें बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म रोटी मिल जाए और खाट मिल जाए। तो दोस्तों हमारे टीटू भाई, बड़े भाई, बना के लाया कोरमा, क्या गजब है देखो। ओए डोली भर के लाए थे और अब कर रहे हैं अपना डिनर। और टाइम कितना हो रहा है? एक बज गया रात का, और अब एक बज रहा है, अपना भूख लग रही है बड़ी भयंकर, मुंह आ रहा पानी, जल्दी से खा लेते हैं। तो बढ़िया डिनर हो गया, एक नंबर का मजा आ गया भाई। एक नंबर का डिनर कसम से भाई, लाजवाब। मजा आ गया, खाना क्या खाया भाई?
कोरमा, चिकन कोरमा, चिकन कोरमा भाई ने क्या लटगाड़ रखा था अपने हाथ से बना गला है। पूछी देना भाई को, पूछी देना भैया, देखेंगे ना बंदे भाई मजा आ रहा था। गत्ती मैं कह रहा हूँ सारे होटल ढाबे सब फेल कर दिया भाई ने। खाना तो खा लिया है पर अभी थोड़ा टहल लेते हैं। खाना खाते एकदम गाड़ी नहीं चलाएंगे यार, एकदम से नहीं बैठेंगे गाड़ी में। भाई आप कहते हो मैं बोल के दिखाऊं? अरे यार खाट पे बैठे खाना क्या खाया मैं, थप्पड़ थप्पड़ हो गए यार पूरे पिछवाड़े में। दिखाऊं? बोल के दिखाओ। भाई वो सारी दीवार में दोस्तों यहाँ पे टॉपिक चल रहा है बड़ा भयंकर, क्योंकि मेरी टूवी पे ना दब्बड़ कर दिया यार बड़े भयंकर वाले, और पूरा यार पैर पे भी दिखा नहीं सकता यार ऐसी जगह पे हमें क्या कर रहे एक टीका यहाँ भी बनाना था। ओ भाई कमाल हो गया यार। भैया कभी आओ तो ढाबे पे मत रुकना, सीधी बात। नहीं तो अगर अपनी टुई पे दप्पड़ चाहिए ना तो बेशक रुक जाना। ये खाट है ना, खाट खाट के लिए सोचे थे वो खाट मिल जाए हमें, वो हम खाना खाएंगे राउंड बैठे, खाट नहीं ना बस। चलो कोई बात नहीं, खाट ने ठाट खराब कर दी, खाट ने ठाट खराब कर दी। तो दोस्तों खाना हो गया है, अभी निकलते हैं यहाँ से, पंजा रख देते हैं। अब सीधा पहुंचेंगे कहाँ? हरिद्वार। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं रुड़की टोल टैक्स पे, और मजा आ रहा नहीं आ रहा है? मजा पूरा आ रहा है रुड़की टोल टैक्स पे। ये देखो गाना सुनो एक बार, दोस्तों गाना सुनो। ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। ये देखो पीछे, ये देखो दोस्तों, ये देखो इनको बहुत ठंड लग रही है। पापा को देखो, भाई को देखो, जीजा जी इतनी ठंड हो रही है। और ये देखो एसी कितने पे चल रहा है दोस्तों, 1 पॉइंट पे, और इतनी ठंड लग रही है इनको। कोई बात नहीं, अभी आगे जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ठंड मिलेगी, वहाँ तो हमारी भी कुल्फी बनने वाली है, अभी तो कच्चे में, कोई बात नहीं, वहाँ पैंट भी कम पड़ेगी। कसम से भाई बहुत भयंकर, अब तक की सबसे ज्यादा भयंकर ठंड मैंने वहीं देखी केदारनाथ में। वहां पे टेम्परेचर था रात के टाइम 2 डिग्री, मैं कह रहा हूँ मैंने उससे भयंकर ठंड अभी तक नहीं देखी। मैं उससे नीचे टेम्परेचर अभी तक कहीं गया नहीं, वो कुछ भी नहीं बेचारा, 2 डिग्री था, 2 डिग्री था, पन्नी पन्नी नहीं, एक ही रात रुका, एक रात में हालत खराब होगी, 2 डिग्री था नहीं वहाँ पे ऊपर तक। और वहाँ पे वो लिया क्या नाम है आपका, क्या बोलते हैं उसको, टेंट नहीं होता, 700 रुपए में वो लिया, उसमें उसने सिर्फ स्लीपिंग बैग दिया और ना नीचे चद्दर बिछरी ना कुछ, वो टेंट का जो पन्नी होती है ना, पन्नी सी बोलते हैं इसको, जो टेंट की होती है वो, और उसके नीचे पत्थर और चुभ रहे हमारे, बड़ी मुश्किल से वो तो जा भाई, बहुत भयंकर ठंड थी वहाँ पे। ये तो हम बढ़िया से टोपे टापे जैकेट वाकेट लेके गए थे, जब जाकर वहाँ पे थोड़ी कंट्रोल हुई है ठंड वहाँ पे, मजा आएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ और लोचा चल रहा है यहाँ पे, ये लोचा मुझे कुछ और लग रहा है, भाई की स्माइल बता रही है, दोबारा मजा आएगा, कुछ प्लानिंग और चल रही है इधर। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई की ऐसी अब मजा आ जाएगा, बहुत टाइम हमारे पास। जैसी बाबा की मंजूरी भाई, जय हो जय हो। खोल दो भैया हमारे लिए भी खोल दो, बिल्कुल पास में लेके जा, हाँ जितना पास लेके जा रहे हो तभी खोल रहे हैं।
उड़ाओ भाई कबूतर उड़ाओ कबूतर ऐसे कबूतर उड़ाओ भाई कबूतर उड़ाओ कबूतर उड़ाओ उनके कबूतर उड़ रहे हैं इनके इनके सबके कबूतर उड़ा रखे हैं कि सोने नहीं दे रहे किसी को भी मजा आ रहा है रात के बज गए 2:40 बात ऐसी है मेरे फोन का नेट खत्म करने पे लगे पड़े ये देख लो 2:45 हो गए कंटिन्यू बैक टू बैक चले जा रहा है तो भाई ऐसे नहीं चले यहाँ फोन तो फोन बाय बाय नहीं यहाँ फोन बाय वन फोन चेंज हो रहा भाई नेट खत्म हो जाए यार फिर क्या करूँगा ऊपर जाके वहाँ ये बात नहीं होके तो इसी के साथ पहुंच गए हम एक और टोल टैक्स ये कहा हरिद्वार में घुसने वाले बस अब हरिद्वार एंट्री हाँ बहुत ही मजा आ रहा है बहुत आनंद आ रहा है एकदम नींद देख रहे हो कहीं तक लग रही है आंखों में नींद है लग रही है ये देखो टाइम देखो 3:15 हो गए बता नींद आ रही है नींद आ रही है एक एक लटका नहीं थी नींद आने नहीं थी नींद तो आ रही थी एक एक लटका नहीं एक लटका भी बस वो लटका एक ही लेन दिया मैंने हाँ तो बताओ भाई सब क्या करना है हरिद्वार में डुबकी मारोगे या सीधा निकलना है टोपटो निकलते टोपटो चलो जी फिर पंजा धरते हैं भाई क्या गाना है सफर में ये गाना ना शुरू ऐसा हो ही नहीं सकता अच्छा लगता है क्या अश्लीलता दिखा रहा है लौंडा आप सबको भाई क्या अश्लीलता दिखा रहा है लौंडा मैं स्कैन कर लो भाई सो दोस्तों अभी हरिद्वार पार कर लिया है हरिद्वार पार करके ऋषिकेश से पहले एक सीएनजी पंप पड़ता है तो उसी पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं और अभी समय हो रहा है सुबह 4:30 बज रहे हैं सीएनजी यहाँ से फुल करवा के फिर यहाँ से निकलेंगे अपना आगे ऋषिकेश के लिए थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं जब तक वैसे भी रेस्ट नहीं किया नॉन स्टॉप चले जा रहे खाना खाने के बाद जब से थोड़ी देर रेस्ट करते हैं yeah!